के बारे में क्या कहा जाए, वो तो सुर की देवी थी और पूरी दुनिया में आज भी उनकी आवाज़ जो है और सुर राय है, तो अल्लाह ताला ने चुन के उनके गले में वो सुरसरती जो डाली थी वो फिर नसीब नहीं हुई। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में कुछ वक्त उनके साथ गाए भी और उनको सुना भी, गाए कम सुना ज़्यादा, और बड़ा फख्र महसूस करते हैं उनके साथ हमें माइक पे खड़ा होना भी नसीब हुआ। बल्कि मैडम नूर जहाँ, जब अल्लाह ताला किसी शख्स को नवाजता है तो अल्लाह ताला की कर्म नवाजी उस पर होती है, वो एक फ़कीर का दर्जा रखता है वो आर्टिस्ट। मेरा बेटा लंदन में था व्हेन ही गॉट ओपन हार्ट सर्जरी, मेरी बीवी और मैं हम लोग लंदन साउथ हॉल ब्रॉडवे पे खड़े थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो मैडम गुजरे। मुझे याद है अलमास डार साहब हमारे बड़े ही मोहसिन हैं, फनकार नवाज लोग हैं वहाँ लंदन में, वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी में मोहम्मद अली मन्नो उनके साथ जो हारमोनियम प्ले करते थे, और अच्छू जी और अकबर साहब, ये बहुत बड़ी गाड़ी थी उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के उस वक्त मैं अपने बच्चे को ये जो गा रहा है मेरा बेटा मोहसिन अब्बास, ही गॉट ओपन हार्ट सर्जरी उन दिनों में, ये 5 साल का था, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और इसको उठा लिया और चूमा और कहा कि मोहसिन अब्बास बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करती थी और अल्लाह ताला ने तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब किया है, और शौकत मियाँ मैं आपको बताऊँ ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। और उनकी दुआओं से देखें, वो फ़कीर थे और इतने अजीम आर्टिस्ट थे कि आज अल्लाह ताला ने उसको अच्छा गला दिया है और बहुत अच्छा गा रहा है। गाना कुछ अगर आप सुनाए। मैं उनके गाने तो अब देखें, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, हुमैरा बड़ी हमारे मुल्क की सुरीली आर्टिस्ट है और इन्होंने बहुत उम्दा गाया है, और मैडम जी का तो मैंने जिस तरह अर्ज किया सुना, एक गाना उन्होंने मेरा गाया था, मेरा ऑनर है मेरे लिए, क्यों दूर दूर रहते हो हुजूर मेरे को, पंजाबी फिल्म थी गालिबन अच्छू 302, तो उसके बाद ये गाना उन्हीं का हो गया, अब मेरा नहीं। अब हम मैडम का गाना। ओके, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। लगदी नालो त्रुटदी चंगी इन्हां बेकदरां दी यारी, भला होया लड़नेड़े ओ छुट्टा, मेरी उम्र न गुजरी सारी, ओ क्यों दूर दूर रहंदे ओ हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दियो होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दियो होया की कसूर मेरे कोलों, ओ क्यों दूर दूर रहंदे ओ हुजूर मेरे कोलों, दस दे होया कि कसूर मेरे को। करार करके दुखिए निमाने नाल प्यार करके, ओए सुनो दुखां दी कहानी जरूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों।
चाहिदा टुटे दिलों ते करना एहसान चाहिदा एडा रूप दा नहीं करना गुमान चाहिदा टुटे दिलों ते करना एहसान चाहिदा ओए सोने रूप दा नहीं लुकिया गरूर मेरे कोलो मैनू दस दियो होया कि कसूर मेरे कोलो मैनू दस दियो होया कि इन्ना ज्यादा कसूर आया बस मेरे को बहुत शुक्रिया थैंक यू वाह रे वाह अच्छा इनको माइक लगा हुआ है हाँ आप माइक लगा हुआ आप कंफ्यूजन हो गई मगर अब होमेरा का और सर का प्रॉपर इंट्रो कर ले इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हम करना चाहेंगे पहले तो वो अजीब सी कंफ्यूजन होगी मैं सॉरी चाहता हूं उसके लिए लेकिन शौकत साहब आपने देख तो लिया उनको हमारे साथ बैठे हुए हैं लेकिन उनका मैं तारुफ तो मैं कल का बच्चा हूँ मैं खुद तो कुछ नहीं करवा सकता तारुफ उनका काम जितनी देर से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं और जितना आप सब हम सब इनको प्यार करते हैं इनके एक एक गाने के लिए तो मेरे उस्ताद जी कहते होते थे परवेज मेहदी साहब के दो तीन लोग हैं जिनके कभी शोज नहीं खत्म हुए मैंने पहले भी शायद एक दफा बात मेंशन की है शौकत साहब उनमें से एक है और माशाल्लाह इतनी दुनिया देखी है इन्होंने इतने शोज किए इतने लोग प्यार करते हैं इनको कि मेरा इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं बनता लेकिन एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा मैडम के साथ बहुत काम मैडम के साथ इन्होंने बहुत काम किया इनकी एसोसिएशन उनके साथ बहुत रही और 65 की जंग में मैडम नूर जहां और शौकत साहब की तरह ने ये सिर्फ मेरे ख्याल से ये वाहिद वजह थी जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये फौज पाकिस्तान भी इस चीज को मानती है अगर इन दोनों के तराने ना होते तो शायद हम पेंसिल भी जज्बा भी पैदा करना होता है बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि हमने उस दौर में भी काम किया बिल्कुल और होमेरा का होमेरा अरशद का माशाल्लाह आगाज ही हां कराएं कराएं चलें हां मैडम का जो मैडम आप ये जो हमारे साथ मैं होमेरा अरशद बैठी हैं इतनी खूबसूरत सी पहली दफा जब इनको देखा गया पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड शी वाज सिंगिंग मैडम नूर जहां सॉन्ग जी बिल्कुल सदा हूं अपने प्यार की मेरे ख्याल से किस किस को नहीं पता उस गाने का लाल रंग का इन्होंने एक जोड़ा पहना हुआ था मुझे याद है और बारादरी में वो रिकॉर्डिंग थी और बड़ी खूबसूरत पहली दफा आपने होमेरा अरशद को देखा और मैडम की मेलोडी तो बात यह है कि जब इनकी जो चॉइस थी सबसे पहले तो दाद इस बात की बनती है कि वो मुश्किल गाना था मुश्किल गाना था मैडम का और उसको कोई नहीं गाता था मैंने आज तक नहीं सुना वाह आपसे पूछेंगे कि मैडम में इतनी अदाएं थी परफॉर्म करते हुए और उनकी ज्वेलरी और मेकअप और साड़ियां लग्जूरियस लैविश किस्म की और फिर जो वो एक्सप्रेशंस बनाती थी इतने अदाओं वाले आपने माशाल्लाह उनके गाने से ही अपने फनी सफर का आगाज किया इतनी मुश्किल उर्दू आज है तो कैसा फील होता है और वो आपको लगता है कि आपने कभी उनको एज एन इंस्पिरेशन लिया है नहीं मैंने ऑब्वियसली जब मैंने उनका गाना ही गा दिया तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकता है तो बाकी उनका जो स्टाइल था उसको तो पिक करना बहुत मुश्किल बात है और ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्हें सूट करता था तो जो भी करेगा उसको सूट करेगा तो मुझे वैसे भी एज एन एक पूरा वो पैकेज जो है वो मुझे बहुत वो पसंद थी और उनके जो भी गाने हैं उनको गाना अपना जो इंसान गाता है वो इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो तो अपना गाना होता है ना लेकिन जब किसी की चीज़ को आप हार डालते हैं और स्पेशली मैडम जी की वो तो हैं ही मैडम मैडम बिल्कुल लोग तो मिस होते हैं जो तो मिस होते हैं लेकिन वो तो मैडम है मलका है बिल्कुल मलका भी हैं और मैडम भी हैं तो उनके गाए हुए गाने को भी गाना बहुत मुश्किल बात है बस वो एक लम्हा था खुदा ने इज्जत देनी थी तो वो इतनी मैं समझती हूँ कि वो ऐसी आर्टिस्ट हैं कि हमारी जितनी आर्टिस्ट हैं आज तक या इससे बाद तक भी उनके गाए हुए गाने गा के लोग जो हैं वो मशहूर भी होंगे और लोगों को रिस्क भी मिलेगा और ये कोई छोटी बात नहीं होती जैसे कहा है शौकत साहब ने कि वो एक फ़कीर थी तो जो भी अपने काम से प्यार करता है या वाकई में काम आजकल हम लोग तो काम करते हैं इसलिए कि हम लोग पैसे कमाएं
और अपने काम को दिहाड़ी की तरह लोग जो हैं वो समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने काम को प्यार भी करते हैं और उस काम को रिस्पेक्ट दे के कि इतनी एज और इतना होने के बावजूद भी वो रिहर्सल भी करती थी, वो उनका वो स्टाइल भी जो था वो भी कम नहीं हुआ। नहीं तो लोग जो हैं वो वक्त के साथ साथ बुरे होते जाते हैं, लेकिन एक मैडम जी हैं या जितने भी बड़े खान साहब जो हुए हैं वो वाकई में उनके अंदर ऐसे गेट्स थे तो वो तभी खान साहब है, नहीं तो लोग यूं आते हैं और यूं ही चले जाते हैं। अल्लाह ने गिफ्ट किया हुआ, बिल्कुल अल्लाह ने भी गिफ्ट, अल्लाह गिफ्ट करता है लेकिन उस गिफ्ट को फिर आप संभाल के रखें और उस गिफ्ट को फिर आप थोड़ा सा करें, हाँ उसको चमकाएं भी। ये नहीं कि अल्लाह ने गिफ्ट दे दिया आपका तुक्का लग गया और बस वो गिफ्ट जो है वो फिर कोई ले गया। अच्छा हमारा थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे लिए अपना पहला वो जो जो हम बात करें सदा, मैं बिल्कुल गुनगुनाऊंगी वो माइक का। ब्रेक के बाद गाने से ही आएंगे और हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी बात बताऊं जो कि कोइंसिडेंस आज के दिन बनता है मगर खैर हम सबको तो पता ही था। हमारे जो बहुत ही स्पेशल ब्रदर्स बैंड हैं वो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहान के साथ बाकायदा प्ले कर चुके हैं। हमारे साथ जो इकबाल साहब हैं, इकबाल साहब उनके साथ प्ले कर चुके हैं, उनके साथ टूर्स पे जा चुके हैं और जो शहजाद साहब हैं क्लोज बना, ये इकबाल साहब हैं, ठीक है, ये इकबाल साहब हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम तरन्नुम की सारी रिकॉर्डिंग्स इन्होंने कराई, तरन्नुम की भी सारी रिकॉर्डिंग्स इन्होंने कराई और जो सात भाई बैठे हैं शहजाद उनके वालिद साहब ने मैडम के साथ रियाज हुसैन साहब और माय डियर के नाम से मशहूर इनकी एक सबसे इन म्यूजिशियंस की खूबसूरत ये बात है, ये एज में इतने बड़े नहीं है लेकिन ये काम में बहुत बड़े हैं और ये जब सारे छोटे छोटे थे तो तब से ये माशाल्लाह से इस फील्ड में हैं और ये तब से ही खान साहब हैं, ये अपने काम के खान साहब एक्सटेम्पोर हैं सारे, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा इन्होंने खूब साथ दिया और अब आप थोड़ा सा हमारा साथ दें, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मेरा के गाने से आएंगे, ठीक है। ए प्लस मॉर्निंग